Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिमटेक स्मार्ट में। आज LG की 32LM 576 BPTC LED की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। और पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है नवंबर 2019 में, मैंने अपलोड किया था वीडियो, लेकिन बहुत सारी व्यूअर्स ने मुझे बोला कि आप इसका डिटेल में आप हमें रिव्यू दीजिए। तो आज मैं इसका डिटेल में आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ इसी LED की, और आप वीडियो में बने रहिए, बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग करने से पहले कर लेता हूँ इसके मेन हाईलाइट फीचर्स की बात। तो यहाँ अपने को 32LM 576 BPTC मॉडल करके है, और इसमें दिया हुआ है थिंक AI इंटरफेस का इसमें फीचर्स अवेलेबल है। मैजिक रिमोट आपको इसमें देखने को मिलेगा, और एक्टिव HDR का सपोर्ट आपको इस LED में देखने को मिल ही रहा है। डिटिवल वर्चुअल एक्स का इसमें सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जो काफी अच्छा आपको ऑडियो प्रोवाइड करवाता है। और साथ में दिया हुआ है टू वे ब्लूटूथ का इसमें फीचर्स अवेलेबल है इस LED के अंदर। बात कर लेता हूँ मैं इस LED की मैन्युफैक्चर की, तो यहाँ अपने को LED की मैन्युफैक्चर यहाँ अपने को देखने को मिल रही है नवंबर 2019, और जो बॉक्स पे MRP दी हुई है वो है 23,990 रुपये। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये आपको मार्केट में कितने रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगी। LED की मैं यहाँ पावर रेटिंग की बात करूँ तो इसमें 2-स्टार रेटिंग दी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करता हूँ इस LED की अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले मिल जाते हैं अपने को टेबल टॉप स्टैंड, और टेबल टॉप स्टैंड की क्वालिटी काफी अच्छी है देखने को मिल रही है मेरे को। यहाँ मैं बात करूँ इसकी पावर केबल की, इसमें एडाप्टर का सिस्टम नहीं दिया हुआ है, और ये काफी अच्छा फीचर यहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये है वो मैजिक रिमोट, और मैं आपको जब मैं LED को कम्प्लीट इंस्टॉल कर लूँगा उसके बाद में आपको बताऊँगा ये कैसे कैसे वर्क करता है। और यहाँ मिल जाते हैं अपने को रिमोट के लिए बैटरीज, और यहाँ अपने को मिल जाती है वायर स्ट्रिप, अपनी LED की केबल को आप इंस्टॉल कर सकते हो इससे। और यहाँ मिल जाता है LED का बेसिक सा यूजर मैनुअल है ये। ये LED के बेसिक से यूजर मैनुअल है, इन्हें आप अच्छे से रीड करके अपनी LED को इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ मिल जाते हैं अपने टेबल टॉप स्टैंड के लिए अपने को स्क्रू, और यहाँ मिलता है ये सब बेसिक से यूजर मैनुअल है। फिलहाल मैं LED को निकाल लेता हूँ बाहर। फ्रेंड्स, मैं इस LED के कर लेता हूँ स्टैंड को इंस्टॉल, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना बने। तो फ्रेंड्स, आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है, और प्रेस करते ही निकल जाएगा। और मैं फिलहाल इसकी बैटरीज को लगा देता हूँ रिमोट के अंदर, और थोड़े से क्या है सेल की साइज काफ़ी यहाँ बड़ी देखने को मिल रही है, और वही प्लस माइनस की तरह आपको इसमें लगाना है। और रिमोट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मेरे को देखने को इसमें मिल रही है। फिलहाल मैं वापस इसको कर देता हूँ पैक। फ्रेंड्स, यहाँ अपने को स्टार्टिंग में रिमोट में देखने को मिलता है वॉइस सर्चिंग का फीचर्स। जब भी आप मोबाइल में कोई भी जैसे सर्च करते हो उसी प्रकार से आप इस रिमोट में सर्च कर सकते हो। वीडियो के आगे मैं बताऊंगा आपको ये कैसे आप यूज कर सकते हो इसको। और यहाँ आपको इसमें नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम का इसमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं कर लेता हूँ इस LED के पोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि LG ने आजकल एडाप्टर का सिस्टम बंद कर दिया, ये काफ़ी अच्छा फीचर्स मेरे को यहाँ देखने को मिला है। और यहाँ आप इसमें लगा सकते हो पावर केबल, और यहाँ आप यहाँ अपने को मिल जाते हैं ऑडियो वीडियो के लिए केबल, और यहाँ से आप ले सकते हो अपने हेडफोन के लिए आउटपुट, और यहाँ आपको मिल जाता है एथरलैन पोर्ट जो आपको एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड करवाएगा। ये वाला पोर्ट बंद कर देना चाहिए कंपनी को, कंपनी क्यों बना रही है समझ में नहीं आ रहा है। आपको इसमें मिल जाएगा एक USB पोर्ट और 2 HDMI के पोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ कंपनी के द्वारा आप लगा सकते हो वॉल माउंट, और वॉल माउंट काफ़ी अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। जैसे मैंने अपनी LED को लगा रखा है, तो मैं LED को इसको कहीं भी घुमा सकता हूँ। ये देखो आप इस LED को, काफ़ी अच्छा ये मेरे को देखने को मिला है। आप इसे हल्का ये देखो,
ये वॉल माउंट काफी अच्छा यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन ये वॉल माउंट आपको जब भी मिलेगा जब आप कंपनी से टोल फ्री से अपने एलईडी का इंस्टॉलेशन करवाओगे। और मैं बात करूँ इसके बैक पैनल की, तो ये काफी मेरे को यहाँ मोटा देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे एलईडी में आपको दिखाना चाहता हूँ, वीडियो क्वालिटी कैसी की आपने को देखने को मिलती है। और ये इसके जो मेन हाईलाइट फीचर्स थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया। ये जो इसमें थिंक एआई इंटरफेस का फीचर दिया हुआ है वो 4K के एलईडी में अवेलेबल होता है, लेकिन एलजी के अंदर इस बार 32 इंच की स्मार्ट में भी ये वाला फीचर अवेलेबल है। फिलहाल मैं आपको इसमें वीडियो टेस्टिंग और ऑडियो टेस्टिंग कराता हूँ, कैसी क्या क्वालिटी अपने को देखने को मिलती है। ये देखो, मैं आपको सबसे मेन बात बता दूं, एलजी के अंदर खुद का ही एक सॉफ्टवेयर है एलजी वेबओएस के नाम से, इसे जाना जाता है और इसी पे ये ऑपरेट होता है। एंड्रॉइड एलईडी आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, ये एलजी के वेबओएस पे ही ऑपरेटिंग होता है। और ये इसके जो बेसिक से सेटिंग होते हैं वो आपको करने रहते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अपनी एलईडी हो गई है रेडी। और फिलहाल ये वाईफाई का फीचर से यहाँ अपने को देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ होम की तरफ, यहाँ अपने को नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, G5 और अमेजॉन प्राइमिंग, गूगल प्ले, हेल्ट बालाजी, और यहाँ ये यह देखो सारे इसमें ऐप अपने को देखने को मिल रही हैं। और आप इसमें आप अच्छे से इसको इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आपको इसमें YouTube चला के दिखाता हूँ, और मैंने इसमें कनेक्ट कर ही दिया था इंटरनेट में एथरलैन। तो फ्रेंड्स, ये हमने को ये देखो साइज दिखा रहा है यहाँ 106 MB की, और मैं इसको अभी इंस्टॉल करता हूँ YouTube, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें जब जाके ये चलेगा YouTube। तो फिलहाल मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखो, ये इसमें आप YouTube चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ इसमें वॉइस सर्चिंग के फीचर्स की, तो ये यहाँ अपने को यहाँ देखने को मिलता है इस रिमोट में बटन को। आपको इसको हल्का से यहाँ से दबाना रहेगा और बोलना रहेगा बॉलीवुड मूवी सॉन्ग। ये देखो, ये वाला बटन है, इसको आपको यहाँ से दबाना है और फिर बोलना है बॉलीवुड मूवी सॉन्ग। The YouTube video found for the keyword Bollywood movie song. Technical Guruji. ये देखो, जैसे मैं टेक्निकल गुरुजी के चैनल के को सर्च करवाया तो टेक्निकल गुरुजी का चैनल आ गया है, अमित बड़ाना। ये देखो फ्रेंड्स, ये वाला ये इसको बटन को हल्का सा पहले प्रेस करना है और उसके बाद में आपको बोलना है। तो ये देखो फ्रेंड्स, काफी अच्छा ये मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है इसका वॉइस का सर्चिंग का फीचर्स। लेकिन मैं बात करूँ इनकी एलईडी में, 4K एलईडी जो भी ये एलजी की आ रही है उनमें वॉइस सर्चिंग का जो फीचर्स काम करता है वो काफी अच्छा काम करता है। इसमें थोड़ा स्लो काम कर रहा है, और ये देखो स्पीड काफी अच्छी यहाँ मेरे को देखने को मिल रही है। नेट की स्पीड ये देखो काफ़ी अच्छी यहाँ देखने को मिल रही है। अगर आप कोई सा भी अगर चलाना चाहो तो आप चला सकते हो। और इसके अगर आपको कभी भी बैक आना हो तो इस वाले बटन से आप बैक आ सकते हो। ये देखो लाइव HDMI, होम पे जाना हो तो होम पे क्लिक कर सकते हो आप। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स किया, ये अपने मोबाइल का जो भी आपके मोबाइल में MP3 सॉन्ग है उसका ऑडियो कैसे आप इसे LED के अंदर सुन सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ स्टार्ट पे ये रिमोट का बटन दिया हुआ है, आपको होम पे आना है। और जैसे ही आप होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ दिया हुआ है डैशबोर्ड, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ है ब्लूटूथ ऑडियो प्लेबैक, तो आपको यहाँ क्लिक करना है इसको। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। ऑन जैसे ही करोगे तो ये देखो LG OS TV LM 570 BBTC आपका ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा, और आपको उसको रेडी टू कनेक्टेड का यहाँ ये देखो ये इसमें कनेक्ट हो गया है। और मैं आपको इसमें सॉन्ग चला के दिखाता हूँ कैसे आप इसको ऑडियो को सुन सकते हो, मोबाइल के ऑडियो को। Thank you.
फ्रेंड्स ये फीचर था जो मैंने आपको बताया, और अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से अपने मोबाइल में। इसको आप अपने मीराकास्ट से अगर आप इसे एलईडी को कनेक्ट करना चाहते हो आप अपनी एलईडी को, तो इस एलईडी के अंदर कुछ नहीं करना है आपको, और केवल अपने मोबाइल में जाके स्क्रीन मिररिंग करना है, और स्क्रीनिंग मिररिंग करने के बाद में एलईडी का मॉडल आ जाएगा और आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस एलईडी के अंदर मैं आपको वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कराने जा रहा हूँ, कैसी क्या क्वालिटी अपने को देखने को मिलती है। फ्रेंड्स मैंने अभी आपको ब्लूटूथ में इसमें एलईडी के अंदर आपको कनेक्ट करके दिखाया, अपने मोबाइल से आप गाने वगैरह सब सुन सकते हो। और मैं बात करूँ इसके वीडियो क्वालिटी की, वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ मेरे को देखने को मिल रही है, और ऑडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ मेरे को देखने को मिली है। 10-10 वाट के दो स्पीकर देखने को मिल रहे हैं जिनका टोटल आउटपुट 20 वाट है, और काफ़ी अच्छा है यहाँ मेरे को ऑडियो सुनने को मिला है, अलग से वूफर लगाने की जरूरत है नहीं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने अभी आज से 4-5 महीने पहले इसकी अनबॉक्सिंग की थी, उस टाइम दिवाली पे ऑफर चल रहा था, इस पे जियो का डोंगल वगैरह आपको मिल रहा था, लेकिन अभी केवल 1 ईयर की वारंटी इसमें आपको देखने को मिलेगी और कोई जियो का डोंगल भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और अभी आप इसे मार्केट से परचेज करोगे तो ये आपको 17,000 से 17,500 तक आपको आसानी से मिल जाएगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।